वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। अम्मा बाद फौज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम मोहम्मद गालिब, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाजरीन आज हम आपके लिए एक टिप्स लेकर आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो टिप्स है बुखार, मौसमी बुखार। मोहतरम नाजरीन आपके मुशाहदे में आया होगा कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो बुखार की वबा शुरू हो जाती है, घरों के घर इसमें मुबतला हो जाते हैं। मौसमी बुखार गर्मी का हो या सर्दी का हो बहुत ही तकलीफ दे मरला होता है, लिहाजा इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही नफाकली और कमज़ोरी हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन एक लिहाज से बुखार अगर हो जाए तो ज़रूरी है, तिब्बी लिहाज से बुखार अगर आदमी को हो जाए तो वो इंसान के अंदर से जहरीले और जरासीम और जहरीले मादे को वो बुखार जला कर तबाह फना करता है। लेकिन मरीज़ के लिए ये परेशानी का बायस होता है, लिहाजा ज़रूरी है कि इसका आसान से आसान इलाज किया जाए जिससे फौरी बुखार उतर जाए। मोहतरम नाज़रीन इसी सिलसिले में आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन अगर किसी को बुखार हो जाए तो इसका आसान हल और आसान टिप्स है गन्ने का जूस। गन्ने के जूस में एक दो लेमन डालकर एक गिलास सुबह एक गिलास दोपहर एक शाम पिया जाए तो इंशाल्लाह शाम तक बुखार उतर जाएगा, जिस्म में जो अजाफी हरारत होगी वो भी अपने नॉर्मल टम्परेचर पर आ जाएगी। लिहाजा कोशिश करें कि बुखार का इलाज गज़ाई इलाज करें, दवाई से दूर रहें तो बेहतर है। लिहाजा आप में से किसी को भी बुखार हो जाए तो गन्ने का जूस पिए एक दो दिन तीन दिन, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा, आपकी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि यह टिप्स आपको पसंद आएगी। गन्ने का जूस इस्तेमाल करें, जिन कई इलाकों में गन्ने का जूस अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल करें। गंडेरी भी इस सिलसिले में बहुत अच्छी चीज़ है भूख के लिए बुखार के लिए। मोहतरम नाज़रीन गन्ने का मिजाज थर गर्म है, गर्मी के अमराज में अमूमन ये ज़रूरी समझा जाता है, कमाल लोग ज़रूर इसकी ताकीद करते हैं कि गन्ने का जूस पिया जाए। लिहाजा कोशिश करें कि गन्ने के जूस ही से अपने बुखार का इलाज करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दवाइयों से बच जाएंगे, बाकी तकलीफ़ से बच जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन मुझे यकीन है कि ये टिप्स आपको पसंद आएगी, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका बुखार जाता रहेगा, आपकी सेहत बहाल और आप शाश पशाश हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।